मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव आज सागर में आयोजित रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे, जहां इस दौरान उनका भव्य और जोरदार स्वागत किया गया। वहीं इस दौरान मंच पर मौजूद मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने क्या कहा, जरा आप भी सुनिए। सन 2002 से आपकी सेवा में श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, कुशल कारीगरी एवं शुद्धता की गारंटी के साथ। पता याद रखें, मेडिकल कॉलेज के आगे, तिली रोड, सागर, मध्य प्रदेश। भारत का दिल मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के दिल इस सागर में, सागर के दिल की गहराइयों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी के साथ आए हुए तमाम उद्योगपतियों का मैं बुंदेलखंड और सागर के निवासी के नाते दिल से, हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे आज भी याद है, मैं 2-3 बार इस बात को कह चुका हूं कि मध्य प्रदेश की जब पहली कैबिनेट हुई, उस पहली कैबिनेट में हम लोग बोलते, उसके पहले मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मुझे बुंदेलखंड की चिंता है, बुंदेलखंड के विकास की चिंता है। आज वो समय आ गया, आज 27 तारीख रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव सागर और बुंदेलखंड के इतिहास में मील का पत्थर साबित होने जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने बुंदेलखंड के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए जो एक दृष्टि और सोच बनाई, हम सारे बुंदेलखंडवासी इस बात के लिए याद रखेंगे, स्मरण रखेंगे। आदरणीय साथियों, सागर नगर सर हरि सिंह गौर की नगरी के रूप में भी जाना जाता है। सर हरि सिंह गौर ने सागर को बहुत बड़ा विश्वविद्यालय दिया, केंद्रीय विश्वविद्यालय दिया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी को कि सागर के प्रथम प्रवास पर सागर की सबसे पुरानी मांग थी कि यहां राजकीय विश्वविद्यालय दिया जाए। पहले आगमन पर पहली घोषणा मुख्यमंत्री जी ने सागर में राजकीय विश्वविद्यालय की। यह उनकी दूरदृष्टा और सोच का परिणाम है। तो सागर में कैंसर अस्पताल नहीं है। हम लोगों ने मांग की, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जल्दी ही कैंसर अस्पताल के उपकरण सागर में दे दिए जाएंगे। लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी बुंदेलखंड के लिए प्रयास कर रहे हैं। हम लोग सोचते थे सागर में कि कब हमारा सागर, कब हमारा बुंदेलखंड भोपाल, इंदौर, जबलपुर जैसी श्रेणी में आएगा, लेकिन अब वो समय दूर नहीं है जब आपकी कृपा से बुंदेलखंड और सागर संभाग भी मध्य प्रदेश के बड़े बड़े महानगरों जैसा स्थापित होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप उद्योगपति तो लाए हैं, मध्य प्रदेश के और देश के व्यापारिक उद्योगपति भी लाए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात जो आपने की है, हमारे जो क्षेत्रीय उद्योगपति हैं, ये क्षेत्रीय उद्योगपति इसलिए उत्साहित हैं, इनको भी आपने काम करने का मौका दिया, इनको भी आपने उठने का मौका दिया। आज सामने देख रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, अधिकांश युवा उद्योगपति बैठे हैं, इनके चेहरों पर जो खुशी है वो खुशी हमने देखी। मैं परसों एक कार्यक्रम में आया था, सारे लोग कह रहे थे, खास करके युवा उद्योगपति जिनको आपने अभी इनाम दिया है, जिनको आपने अभी सम्मानित किया है, वो कितने खुश और उत्साहित थे। छोटे छोटे उद्योग वो लगाएंगे, जो सपना उनने देखा था वो सपना उनका साकार करने का मौका अब आ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी,
आपने एक बार गाड़ी में हम लोगों से कहा था, अचानक मुख्यमंत्री जी ने पूछा कि सागर में बड़ी उद्योग के क्या हाल है। देखिए, ये आपकी चिंता, बीड़ी उद्योग 100 साल पुराना है, हम जब पैदा भी नहीं हुए थे तब से यहाँ लाखों मजदूर बीड़ी बनाकर अपना घर चलाते थे। एक पत्रकार महोदय हमसे परसों पूछ रहे थे, मैं यहाँ आया, कि बीड़ी के अलावा और क्या है। अरे भैया, इतने सारे उद्योगपति, इतना उद्योग, इतना इन्वेस्टर मुख्यमंत्री जी करा ही रहे हैं, लेकिन आप सोचिए, उनके मन में पीड़ा, उनके दिल में ये बात थी कि सागर में एक जमाने में लाखों मजदूरों को काम बीड़ी उद्योग और अगरबत्ती उद्योग से मिलता था। आज उन्होंने कहा कि इसको पुनर्जीवित करने के लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे केंद्र हो, GST हो, हर प्रकार का सहयोग करेंगे। इससे भी पूरे गांव गांव का मजदूर उत्साहित है, यहाँ के उद्योगपति उत्साहित है। हम देख रहे हैं, हमारे सामने बड़ी उद्योगपति बैठे हैं, सबको खुशी की लहर है। कम से कम आज तक किसी ने सोचा, आज तक किसी मुख्यमंत्री ने, मैं क्षमा करना, बड़ी के बारे में किसी ने नहीं सोचा। ये छोटी छोटी काम की सोच, कुटीर उद्योग की सोच,